इनामात वगैरह तकसीम हो चुके हुए हैं और सब अब घर जाने की कह रहे हैं। यार उस तरफ मुंह करके बैठते हैं ना फिर। जी कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं? तो समर अब आ चुका हुआ है, मौसम खुल चुका हुआ है, सूरज जो है वो अपनी आबोताब पे है और यहाँ पे लिले हमर में इन्होंने गेमों का भी इनकाद किया हुआ है और ये काफ़ी स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स इधर बना हुआ है और काफ़ी लोग इधर जमा है। तो ये मेरा दोस्त बशीर भी कह रहा था इसको फॉलो करें टिकटॉक पे, बशीर को, बशीर इज़ अ टिकटॉकर और बशीर भी एक गेमर बॉय है। तो बशीर मुझे कह रहा था कि एहसन भाई चलते हैं उधर देखते हैं भाई क्या करते हैं लोग। हाँ यार देखते हैं, रश तो काफ़ी है। इस वक्त मैं पहुंच गया हूँ इधर स्पोर्ट्स वाली जगह पे और जैसा कि ये जगह सारी फुल हुई हुई है लोगों से। कहते हैं कि आज जो है ना इनका रनिंग का एक कंपटीशन है, काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि यहाँ से रनिंग करेंगे शुरू और पूरा एक गोल चक्कर जो है उसके 2 से 3 राउंड लगाएंगे और जो विनर होगा उसको फिर ये कोई इनामात वगैरह देते हैं। और यहाँ पे सिर्फ ये इन्होंने काफ़ी इंतज़ाम किया हुआ है, एम्बुलेंस भी आई हुई है, मैं दिखाता हूँ वो पीछे एम्बुलेंस खड़ी, उसके आगे ये जो है ये कंपनी की है मुझे दिखाओ और वो रो तो कुर्सी है, एम्बुलेंस नहीं है। हेलो, वो रो कुर्सी, सॉरी एम्बुलेंस दूसरी साइड पे खड़ी हुई है। गेम 10 मिनट में स्टार्ट होने वाली है, सब लोग जो है वार्म अप हो रहे हैं, पुशअप्स लगा रहे हैं, लड़कियां काफी हैं यहाँ पे क्योंकि लड़कियां दौड़ने में अच्छी होती हैं। Det er en karusell, så det er mange løp sammen i løpet av sesongen. Oh, ja, okay. Ja, så det blir en sum til slutt som kommer på høsten. Da får du en premie. Oh, derfor, ja. Nei, deilig, det er det det. तुसन तक। तो ये बंदा बता रहा है कि यहाँ पे अभी 10 किलोमीटर की रेस होने लगी है जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट इसी एरिया में कवर होगी और ये एक यहाँ पे इनका ड्रामा सीरियल भी शूट होना है जिसमें जो उसका थोड़ा सा हिस्सा है गेम का वो ड्रामा सीरियल का भी हिस्सा बनेगा और काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं। ये नॉर्वेजियंस की ये बात है कि ये स्पोर्ट्स में बहुत आगे हैं और इनकी एज का कोई हिसाब नहीं। ये देखें ये बंदा, ये देखें ये बच्चा वार्म अप कर रहे हुए, साथ साथ इन बच्चों की माएं उन्हें बहुत करेज करती हैं, माएं खुद फिट होती हैं इनकी। क्यों बशीर हंसता है जब मैं कहता हूँ माएं इनकी फिट होती हैं? इनामात वगैरह तकसीम हो चुके हुए हैं और सब अब घर जाने की कह रहे हैं। ये देखें सब लोग, मोटिवेशन खत्म। तो इस तरह जो है ना इनका आज का कंपन ख़त्म हुआ है, मैच अब ख़त्म हो चुका हुआ है लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। तो बशीर ने मुझे एक सुजेशन दी है कि यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर थोड़ा झील के किनारे, क्योंकि यही एक सिर्फ अपने पास पॉसिबिलिटी है इस वक्त, घर जाएंगे फिर डिप्रेशन, लेकिन ये अच्छा है। तो यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं, अब इंजॉय करते हैं मौसम को। यार उस तरफ मुँह करके बैठते हैं ना फिर, शाम को इस वक्त जो है ना यहाँ सूरज ढलने का जो नज़ारा होता है वो मिलियन डॉलर्स व्यू होता है और उसकी कोई कीमत नहीं है।
जैसे जैसे नीचे ढल रहा होता है उसी के साथ साथ आप थोड़ा सुकून भी दिल को मिलता है, लेकिन थोड़ा सा बंदा डिप्रेस भी हो जाता है, क्योंकि एक नेचुरल चीज़ है। जैसे जैसे अंधेरा ज़्यादा होता है डिप्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती। मैचेस का इनेकाद कराना जो है वो एक नॉर्मल चीज़ समझी जाती है, और ये लोग बहुत इनक्रेज करते हैं। इनकी जो पॉलिटिक्स है वो इस काम में बहुत आगे है, और यहाँ उसके अलावा यहाँ की जो यंगस्टर्स हैं, जो कि बच्चे हैं या जो जवान हैं, वो स्पोर्ट्स में बहुत आगे हैं। अपनी सेहत का खुद ख्याल रखते हैं, इसीलिए इन लोगों की उम्रें जो होती हैं वो 100 साल नॉर्मल होती। जिन्होंने मैच का इनेकाद किया था वो अब अपना सामान पैकअप कर रहे हैं। ये देखें, ये लेडी अपना सारा पानी जो है ये बोतल में से गिराएगी, ताकि वजन खाली जो है बोतलें वो रख के तो ये जाएं। लेकिन ये बहुत अच्छा मैच था आज। तो ये थी आज के स्पोर्ट्स फेस्टिवल की स्टोरी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें।